हेलो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस वन एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की हमने 3.1 कर ली है। अगर आपने वो नहीं करी तो पहले जाकर आप वो कर लें। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.2। तो सबसे पहले मैं आपको, आपने जो 10th क्लास में चीज़ें पढ़ के हैं, पहले मैं आपको दोबारा से वो बता दूँ। देखिए, आपको पता है आपने 10th क्लास में किया था टेबल, किया था ना साइन कोस का। तो उसमें सबसे पहले क्या था, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन पाई बाय टू वन होता है। तो आप ये जैसे पढ़ चुके हैं 90 तक, आप पढ़ के आ चुके हैं। अब क्या है, साइन 180 पे क्या होगा, साइन 3π/2 पे क्या होगा, साइन 2π पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होगा, साइन 9π/2 और π/2 पे कितना होगा, वन, साइन पाई पे ज़ीरो, थ्री साइन 3π/2 पर होगा माइनस का वन। 3π/2 को कैसे सॉल्व करेंगे आप, 3 × 180/2, 2 से 180 कट जाएगा, 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270, यानी कि साइन 270, साइन 270 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। इसी तरह से आप क्या करेंगे, कोस की वैल्यू आपको पता है ज़ीरो की वन होती है, 90 की ज़ीरो होती है। ये जो होते हैं ना, इसका अपोजिट होता है। जैसे साइन ज़ीरो पे ज़ीरो है तो यहाँ पे वन होगा, साइन 90 पे वन है तो इसका अपोजिट ज़ीरो होगा। ठीक है, उल्टा चलता है ये। कोस पाई पे कितना होगा, माइनस का वन, कोस 3π/2 पे कितना होगा, ज़ीरो, इसी तरह कोस 2π पे वन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो आप एक्स की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू को इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, एक्स की जगह एक्स की इक्वल में क्या रख दें, एन इंटू पाई। एन यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे आपको कोई भी, जैसे आपको 180 निकालना हो या 360 निकालना हो तो आप पाई एन की जगह वन रख दें। ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 180 की, 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। फिर ऐसे 360 को 2 से यहाँ पे 2 से 2 रख देंगे एन की जगह, तो वो आ जाएगा 2π। इससे आप क्या से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे कोस की वैल्यू इससे निकालेंगे। तो आपके फंक्शन आपको याद होंगे क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, फंक्शन साइन, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है कोसिकेंट को आप कैसे लिखेंगे। कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, 1 बाय साइन का इन्वर्स होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, सीकेंट के किसका ऑपोजिट इन्वर्स होता है, या उल्टा कह सकते हैं आप, 1 बाय कोस एक्स का। इसी तरह टेन होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट होता है कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी तीन आइडेंटिटीज बता दूँ मैं आपको, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इक्वल टू वन, जो मैंने हाईलाइट कर रखे उसको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस टू में भी चीज़ें आपकी आएंगी। तो अगला है 1 प्लस टेन स्केयर किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्केयर एक्स के। ठीक है, इससे आप अलग तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स इक्वल टू वन। आपने ध्यान दिया होगा तो आपके पास पहले ये था, तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी से ड्राइव हुआ है। और अगला है 1 प्लस कोट स्केयर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर एक्स के। आपने अपने 10th क्लास में कौन कौन सी वैल्यूज पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं ज़ीरो कैसे निकाल, ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की क्या होती है, 60 की क्या होती है और 90 की क्या होती है, किन पे किन वैल्यूज़ पे, साइन को किसकी, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोट की। तो इससे आप, अब आपको मैं आगे वैल्यू बताऊँगा कि आप 180 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 270 कैसे करेंगे और 2π की कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, इस टेबल को याद रख लेना, नहीं तो आप को ये नोट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट स्क्रीन लेकर अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन पाई बाय सिक्स 30 डिग्री है, यहाँ पे 1/2 होता है, पाई बाय फोर 45 डिग्री, 1/2 यहाँ पे ये जो पाई की फॉर्म में है इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रेडियन। ठीक है, ये जो पाई की फॉर्म में है रेडियन होगी, और जिसके पीछे ये ऊपर ये गोला लगा होता है इसको कहते हैं डिग्री, ये डिग्री में होती है। मैंने आपको डिग्री और रेडियन का ऊपर फ़र्क बता रखा था मेरी पहली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख सकते हैं। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, साइन 30 1/2 होता है,
साइन 45 वन बाय रूट टू, साइन पाई बाय साइन 60 रूट थ्री बाय टू, साइन 90 वन, साइन 180 यानी कि पाई 0, साइन 3 पाई बाय टू यानी कि 270 साइन 270 साइन 270 माइनस वन होगा और 2 पाई 0 होगा। तो अगला ऐसे ही आप कोस की वैल्यू देखेंगे, कोस की वैल्यू आपको 90 तक 10th में सिखा दी गई थी। उसके बाद आप 180 की माइनस वन होगी, 270 की 0 और 2 पाई की 1। इसी तरह से 10 की 0 180 पे होगी, नॉट डिफाइन होगी 270 पे, 0 होगी 2 पाई पर। तो आपको ये साइन बता दूं मैं, देखिए आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ये है, देखिए सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव हैं और यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। देखिए यहाँ पर तो सारे के सारे पॉजिटिव और यहाँ पर सिर्फ और साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो भी अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो नेगेटिव होंगे। वो यहाँ पे कैसे निकाला मैंने ये देखिए, यहाँ पे करेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसे ही बनाना है आपने, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऐड मतलब यहाँ पे सब में ऐड होएगा, शुगर मतलब यहाँ पे साइन और कोसिकेंट का होगा, क्योंकि साइन यहाँ पे साइन को आप लिख सकते हैं, कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं ना वन बाय साइन, इसलिए यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी नेगेटिव। यहाँ पे टी मतलब टेन पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कोट पॉजिटिव होगा। उसके बाद आपके अगला है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब कोस वाला, कोस और सिकेंट यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आगे यूज़ होंगे, आगे एग्जांपल करेंगे तो उनमें सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि अगर आपके पास ये एक चीज़ दे दी आपको, बाकी पांचों पूछे जाएंगे, तो आपके अलग अलग क्वाड्रेंट होंगे, उनमें आपको बताना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है और वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको याद रख लें या फिर इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो आगे करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन यहाँ पर साइन की क्या होगी, माइनस वन से वन तक, यहाँ पे इक्वल भी है, ध्यान से देखें, इक्वल का निशान इसलिए है, बड़ा इक्वल का निशान इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू वन भी और माइनस वन भी आ सकती है, और कोसिकेंट और कोस की भी ऐसे ही है, माइनस वन से वन तक। और कोसिकेंट की क्या होती है, कोसिकेंट की होती है, कोसिकेंट की रेंज कितनी है, वन से तो वन से बड़ी होगी और माइनस वन से छोटी होगी। इसी तरह आप सीकेंट की देखेंगे, सीकेंट की भी रेंज माइनस वन से छोटा होगा वाई और वन से बड़ा होगा। आगे करते हैं, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, जो साइन है वो ज़ीरो से वन की तरफ इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए ज़ीरो है और ये वन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इस तरफ जाएगा, वन की तरफ जाएगा, ज़ीरो से वन की तरफ। और इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये डिक्रीज़ होगा, कहाँ से, वन से ज़ीरो तक, ठीक है, तो ये नेगेटिव में जाएगा, यानी कि पहले आपके पास वन था तो ये अब ये कम होता जाएगा, 0.9 0.8 0.7 ऐसे वैल्यूज आती रहेंगी। इसी तरह आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ज़ीरो से माइनस वन में चला जाएगा और फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इंक्रीज़ होगा, सेकंड और थर्ड में डिक्रीज़ होगा, क्या डिक्रीज़ होगा, साइन, ठीक है। और कोस है, कोस पहले डिक्रीज़ होगा वन से ज़ीरो में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज़ होगा ज़ीरो से माइनस वन तक, फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन से ज़ीरो तक, फिर ज़ीरो से वन तक, ठीक है। ऐसे ही टेन है, टेन इंक्रीज़ होगा ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये निशान जो होता है इन्फिनिटी का होता है, यानी कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये जहाँ पर गिनती ख़त्म होती है ना ये वहाँ तक इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। और फिर ये माइनस से माइनस इन्फिनिटी से भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा ज़ीरो तक, और ये फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ होगा और फिर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये मतलब ये सारा इंक्रीज़ ही होता रहेगा टेन। इसी तरह आपके पास कोट कोसिकेंट और
कोस कोट सीकेंट और कोसिकेंट है, ठीक है। तो आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे इसका एग्जांपल है सिक्स्थ। सिक्स्थ एग्जांपल में क्या कहता है, इफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव। तो यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाई फाइव। ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये नेगेटिव ही होता है, ऐड शुगर टू। यहाँ पे मतलब टेन वाला होता है ना, टेन और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर टेन और सीकेंट को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने बाकी सभी पांच वैल्यूज़ निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक की। उसके बाद आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव को आप क्या ले सकते हैं, सीकेंट एक्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट एक्स का क्या और कोस का क्या रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट एक्स, ठीक है। तो आपको जो माइनस का थ्री बाई फाइव था वो वहाँ पर माइनस का फाइव बाई थ्री हो गया। एक बार आपने यहीं पर इसको ऐसे दिखाना, बाद में आप इसको कर देंगे चेंज, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव सीकेंट होता है या कोई छोर होता है। ऐड शुगर टू, टेन और कोट होता है, ठीक है, टेन और कोट होता है। टेन और कोट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको ऊपर बता रखा है ये कैसे आएगा। तो ध्यान से समझना था, अब ध्यान से दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या चीज़ पॉजिटिव आएगी और क्या चीज़ नेगेटिव आएगी। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिए आपके पास पहले चार क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, और इधर कोस और सीकेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका सीकेंट आ जाएगा माइनस का फाइव बाई थ्री, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है ना कोस का, इसलिए माइनस का फाइव बाई थ्री हो जाएगा। अब आपको मैंने आइडेंटिटीज बताई थी ऊपर, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इक्वल टू वन। तो आप इससे कोस वाली से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे है? निकालेंगे आप, आपके पास देखिए साइन स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, वन माइनस कोस एक्स के। आपने इस प्रॉपर्टी से इसको ड्राइव किया है, तो आपने साइन स्केयर एक्स लिखा, इसमें जो कोस एक्स की वैल्यू है आपने वो लिखी, फिर उसका स्केयर कर दिया। जैसे आपके पास था थ्री बाई फाइव था, तो आपने थ्री बाई फाइव को स्केयर किया तो आ गया नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। फिर आपने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव। फिर आप जो इसका स्केयर था साइन स्केयर एक्स का, वो आप इसके ऊपर रूट में लेंगे, जिससे आपका प्लस और माइनस का फोर बाई फाइव आएगा। तो आपने चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस में आता है या नेगेटिव में। तो नेगेटिव आता है, यहाँ पे टेन और कोट होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस का फोर बाई फाइव, ठीक है। अब आपके पास साइन आ गया, अब आप साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट। तो आप क्या इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, माइनस फोर बाई फाइव को क्या लिख देंगे, माइनस का फाइव बाई फोर। इसी तरह आप टेन निकालेंगे, टेन आप कैसे निकाल सकते हैं, आपने साइन और कोस जब निकाल लें उसके बाद आप टेन निकालेंगे। टेन कैसे निकालेंगे, साइन ऊपर रखेंगे साइन एक्स और नीचे कोस एक्स। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू आई थी आपके पास फोर बाई फाइव और कोस की थ्री बाई फाइव। तो आपने ऊपर लिखा फोर बाई फाइव और नीचे लिख दिया थ्री बाई फाइव। तो इससे फाइव से फाइव कट जाएगा तो क्या बच गया, फोर बाई थ्री। तो आपका यहाँ पे आ गया टेन फोर बाई थ्री, प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस का होता है और कोट भी प्लस का होता है। तो कोट कैसे निकालेंगे, चाहे आप टेन का रेसिप्रोकल कर दें या फिर आप कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अगला सेवन्थ एग्जाम्पल है अपना, उसमें क्या कहता है, इफ़ कोट एक्स इक्वल टू माइनस का फाइव बाई ट्वेल्व, एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जो एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसी कैंट,
ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बाकी पांच वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कोट था, तो आपने कोट का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल होता है ना ये, तो आपने इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, वापस आपके पास टेन आ जाएगा। टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस की 12/5। यहाँ पे ये माइनस करेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपके पास जब टेन आ जाए तो आप इससे क्या निकालेंगे, सीकेंट। आपके पास प्रॉपर्टी होती है ना सीकेंट स्केयर एक्स इक्वल टू 1 - tan² x, तो इससे आप सेकेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 + tan जो है आपके पास, उसका स्केयर कर दें। तो आपने इसका स्केयर कर, आपने नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान नहीं देना, आपने जो प्रॉपर्टीज़ में लगा हुआ बीच में प्लस या माइनस उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने इसकी स्केयर कर दी, उसके बाद आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 169/25। आपने सेकंड स्केयर एक्स की स्केयर जो है दूसरी तरफ ले आने, वो स्केयर रूट बन जाएगा, यानी कि ये वाला निशान जो होते हैं ना ये बन जाएगा। उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालेंगे सेकंड एक्स ±13/5। तो आपने क्या किया, सेकंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, इसलिए आपने लिख दिया -13/5। जब आपके पास सेकंड आ जाएगा आप उससे कोस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है कोस। जब आपने कोस निकाल लिया, आप साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास फॉर्मूला था ना, टेन एक्स को आप क्या लिख सकते थे, साइन अपॉन कोस। तो आपने क्या किया, इस कोस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन किसके इक्वल हो गया, टेन इंटू कोस एक्स के। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे टेन की वैल्यू रखेंगे, कोस की वैल्यू रखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, 12/13। आपके पास जब साइन आ जाए आप उससे कोस निकाल सकते हैं, कोस किसका कोसिकेंट निकाल सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट कैसे होगा, इसको जो 13 है डिवाइड में वो ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे। इसी तरह अगला सम है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको पता है, वी नो दैट वैल्यूज ऑफ साइन एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, यानी कि 2π के बाद, 2π का जब आप इंटरवल पार कर लें, यानी कि 360 जब आप पार कर लें, यानी कि एक सर्कल आपका पार हो चुका है, तो आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू दोबारा रिपीट होने लग जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, sin 10π + π/3। तो आपने इसको else, जैसे इसको खोल दिया एक तरीके का, आपने इसको कर दिया, आप इसका वापस else में लेंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। तो आपने इसको अलग तरीके से खोल दिया। तो अब आप क्या करेंगे, 10π को छोड़कर, आपको याद होगा कि ये चेंज हो जाता है, कि चेंज होने के बाद ये सिर्फ π/3 दिखाएगा, sin π/3 = √3/2, ठीक है। आपके पास 9th एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस माइनस का है 1710 डिग्री, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू बतानी है, तो आपको जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि 2π के बाद वैल्यू चेंज होने लग जा रिपीट होने लग जाती है, वैसे ही यहीं पर भी रिपीट होने लग जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये गिवन था, आपने ये लिखा, फिर आपने मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 5 × 360 की। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1800 डिग्री, यानी कि 1800 डिग्री। फिर आपने इसमें प्लस कर दिया, आपके पास प्लस माइनस क्या है, तो आपने माइनस करना है, जिससे आपके पास कोस 90 आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। अब आपका सम स्टार्ट करते हैं, (3.2 exercise) स्टार्ट करें। फर्स्ट सम है इसका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे कहा गया कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे आप, आपके पास क्या गिवन है, कोस एक्स इक्वल टू -1/2। कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, आपने ये देखना है, ये कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं? यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट, एक मिनट मैं आपको बढ़ा करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपके पास पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे आपके पास सब कुछ पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन कोस टेन जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि छः, वो सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट, यहाँ पर टेन और कोट। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये टेन या कोट नहीं है, यहाँ पे कोस है, ये नेगेटिव होता है। तो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोस है तो आप इससे सीकेंट निकाल लें, सीकेंट क्या आ जाएगा, वन अपॉन कोस एक्स, यानी कि जो माइनस का वन बाय टू है वो अब क्या बन जाएगा, माइनस का टू। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। जब आपके पास कोस है सीकेंट है तो आप इससे दो तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस से तो आप साइन निकाल लें, जब आपके पास साइन कोस आ जाएगा तो आप टेन की निकाल सकते हैं, या फिर इससे सीकेंट एक्स से भी आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या किया, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इक्वल टू वन, जिससे आपने ड्राइव करके क्या निकाला, साइन स्केयर एक्स इक्वल टू वन माइनस कोस स्केयर एक्स। तो अब इसमें आप कोस एक्स की वैल्यू रख दें फिर उसका स्केयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स रूट प्लस माइनस का रूट थ्री अपॉन टू। यहाँ पे आपने इसको कैसे निकाला, ये आपने इसकी पहले स्केयर कर दी माइनस वन बाय टू की, यानी कि माइनस वन बाय फोर, फिर उसका एलसीएम लेंगे थ्री बाय फोर। जब आपने स्केयर का रूट बनाया तो फोर का तो टू हो जाएगा क्योंकि टू की स्केयर कितनी होती है फोर, तो इसका रूट कितना हो जाएगा टू, ठीक है ना। और रूट थ्री का, और थ्री का क्या हो जाएगा स्केयर, रूट रूट थ्री हो जाएगा। तो आपने साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया और सीकेंट निकाल लिया। तो अब क्या निकालेंगे आप, टेन, टेन निकाल सकते हैं और आप इसे साइन से कोसिकेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप पहले कोसिकेंट निकाल लें क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। आपको मैंने बताया ना कि ये क्या होगा, प्लस या माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इसी तरह ये भी नेगेटिव होता है आपके पास। अब आप क्या निकाल लें, टेन साइन अपॉन कोस कट करेगा, आपके पास क्या आ जाएगा रूट थ्री, क्योंकि टू से टू कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट थ्री। अब इससे आपने टेन निकालिया तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं टेन का, तो आपके पास क्या आ जाएगा कोट, यानी कि वन बाय रूट थ्री। सेकेंड सम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपके पास ये है, आपने बाकी पाँच की वैल्यूज निकालनी है। आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन के साथ साथ कोसिकेंट भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल कर दिया आपने इसका, तो आ गया आपके पास फाइव अपॉन थ्री। तो अब क्या करेंगे आप, कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस की वैल्यू किससे निकालेंगे, आपके पास प्रॉपर्टी है उसको ड्राइव कर पहले आपने क्या किया था, साइन को उधर लेके गए थे ना, और पहले आप कोस को उधर लेके गए थे, अब साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आप इधर वैल्यू रख दें, आपके पास कोस स्केयर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 अपॉन 25, और कोस एक्स की 4 अपॉन 5। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बताओ, सारे नेगेटिव होते हैं ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास कोस आ गया, बस उससे आप कोसिकेंट निकाल सकते हैं। कोसिकेंट कैसे निकालेंगे, सीकेंट कैसे निकालेंगे, कोस को रेसिप्रोकल कर देंगे। जब आपके पास साइन और कोस आ गया, आप उसे टेन भी निकाल सकते हैं। टेन कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कोस कर, और जब आपके पास टेन आ गया आप उसे कोट निकाल सकते हैं। कोट कैसे आएगा, वन अपॉन टेन एक्स। तो आपके पास टेन एक्स कैसे था, साइन अपॉन कोस, फाइव से फाइव कट जाएगा, थ्री अपॉन फोर, माइनस का निशान आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास कोट भी निकाल लेंगे आप, चाहे आप इसको कर दें कोस अपॉन साइन या फिर वन अपॉन टेन एक्स। तो अगला सम है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपके पास कोट ये है थ्री बाई फोर और थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास, ये लाई कर रहे हैं, तो आप इससे वैल्यूज निकालेंगे। आप थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव कोट और टेन, ठीक है। तो टेन आप कैसे निकालेंगे, वन अपॉन कोट कर, तो फोर अपॉन थ्री हो जाएगा टेन आपके पास। जब आपके पास टेन आ जाएगा आप उससे सीकेंट एक्स निकाल सकते हैं। सीकेंट एक्स निकालेंगे कैसे, आपके पास प्रॉपर्टी होती है वन प्लस टेन स्केयर एक्स किसके इक्वल, सीकेंट स्केयर एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेन की वैल्यू रख दें फिर उसका स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
सिक्सटीन अपॉन नाइन, आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम क्या जाएगा, वन प्लस सिक्सटीन अपॉन नाइन का एलसीएम आएगा 25/9, क्योंकि 9 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से, 9 प्लस 16 25 हो गया। सीकेंट एक्स की आप वैल्यू निकाल लें, इससे आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट एक्स कर कर। जब आपके पास साइन और आपके पास क्या क्या आ गया, अब टेन भी आ गया और सीकेंट टेन आ गया और कोस आ गया, तो उससे आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सारी वैल्यूज़ को रख दें साइन को इक्वल के दूसरी तरफ, फिर मल्टीप्लाई कर कर आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और कोसेकेंट की भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके मैंने एग्जांपल्स और तीन सम करवा दिए हैं, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सम या एग्जांपल समझ नहीं आया। बाकी की एक्सरसाइज आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।